जर्मनी के दार हुकूमत बर्लिन में सफारतखाना पाकिस्तान में पाकिस्तान के अजीम शायर जमील उद्दीन आली की जिंदगी पर मबनी दस्तावेजी फिल्म ख्वाब का सफर दिखाई गई। जमीलुद्दीन आली के लिखे हुए गीत, मिली तराने, गजलें और नज़में आज भी पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी करती हैं। इस मौके पर उनके साहबजादे राजू जमील का कहना था कि बाबाए उर्दू के बाद उर्दू की तरक्की व तरवीज में आली जी का किरदार नाकाबिले फरामोश है। आली जी मुस्तकबिलियात और इरतका की निशानदेही करते थे। जमीलुद्दीन आली जर्मन तारीख से खास दिलचस्पी रखते थे। मैं यहाँ के लोगों से मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। इनके अंदर बहुत चाहत और मोहब्बत है। जर्मन तो एक जर्मन खातून भी आई हुई थी यहाँ और उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट्री देखी और मैंने कहा कि अच्छा आप उर्दू जानती हैं। उन्होंने कहा जी मैं आली साहब से मिली भी हूँ, मैं कराची भी रही हूँ और लाहौर भी रही हूँ और उन्होंने अबू की काफ़ी तारीफ़ की। तो आप सबसे मेरी इस्तदा है कि जमीलुद्दीन आली की मगफिरत के लिए दुआ मांगे। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान जौहर सलीम का खिताब करते हुए कहना था कि अली साहब ने अपने मिली नगमों से न सिर्फ हमको पाकिस्तान से मोहब्बत करना सिखाया बल्कि उनकी शायरी ने अफवाज पाकिस्तान के हौसले हमेशा बुलंद रखे। मजीद उर्दू अंजुमन बर्लिन की जानिब से उर्दू शेर व अदब के मान जमीलुद्दीन आली को खराज तहसीन पेश किया गया। इरफान आफ्ताब, जियो न्यूज़, बर्लिन।